हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन मेंटोर। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट वन किया था, जिसमें चाइनीज़ कोड की बात करी थी। इस पार्ट के अंदर हम अल्फाबेटिकल सीरीज़ की बात करेंगे। आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन भी किया था कि तीन कैटेगरी की अल्फाबेटिकल सीरीज़ होती है हमारे पास। फर्स्ट होती है अल्फाबेटिकल सीरीज़, जो नॉर्मल सीरीज़ होती है। सेकेंड होती है हमारे पास अल्फा न्यूमरिक सीरीज़। एंड द थर्ड वन इज़ अल्फा न्यूमरिक सिम्बॉलिक सीरीज़। ये तीन तरह के होते हैं हमारे पास। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूँ तो केवल और केवल थर्ड कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं वो ही हमसे पूछे जाते हैं। थर्ड कैटेगरी मीन्स दिस वन, क्योंकि जनरली हमारे पास अल्फा न्यूमरिक सिम्बॉलिक सीरीज ही आती हैं। वो क्यों पूछता है? क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हमारे पास हो जाते हैं और इनमें से वो कोई सा भी एक वेरिएबल हटा सकता है, फिर भी दो का कॉम्बिनेशन रिमेनिंग रहता है। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में भी यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास नंबर भी हैं, सिंबल भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं, जो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है, सीरीज जो आपको दिख रही होगी। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। केवल अल्फाबेट्स का यूज़ किया जाता है। अल्फाबेट्स मतलब ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है आपके पास। यहाँ पे आपके पास अल्फाबेट्स के साथ साथ कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। और यहाँ पे आपके पास अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और सिंबल्स हो सकते हैं, लाइक हैश, स्टार, ETC। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है हमारे पास इनमें। और सीरीज इस तरीके से हमसे पूछी जाती है कि उसका लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन हम पता कर सकें। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जो अभी हमें यहाँ देखनी है, वो ये है लेफ्ट और राइट अरेंजमेंट। किस तरीके से हम यह लेफ्ट और राइट का अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो देखिए, लेफ्ट राइट अरेंजमेंट की बात करूँ तो मैं कोई भी सीरीज में लेफ्ट और राइट का यदि मुझे अरेंजमेंट करना है तो वहाँ पे मुझे उसका लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पता होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक सीरीज का जिक्र किया, सपोज मैंने बोला ए एन स्टार 2 O 5 हैश P L 1% 9$Z। सपोज ये मेरे पास एक छोटी सी सीरीज है जिस सीरीज के अंदर तीनों चीजें मौजूद हैं, अल्फाबेट्स, नंबर और सिंबल्स। तो ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है इस सीरीज का, दैट इज योर लेफ्ट कॉर्नर। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगले क्वेश्चंस में ये सब चीजें काम आने वाली हैं। ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज योर राइट कॉर्नर, ये आपका राइट कॉर्नर कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर वो कुछ ऐसे पूछता है कि यदि आपके पास में लेफ्ट कॉर्नर से पांचवे एलिमेंट पे जाएं, तो आपको पता है लेफ्ट कॉर्नर से जो पांचवा एलिमेंट है, दैट इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस ओ इज योर फिफ्थ एलिमेंट। तो वो कह रहा है कि यदि लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट पे जाएं और उस फिफ्थ एलिमेंट के राइट में फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, लेफ्ट से जो फिफ्थ एलिमेंट होगा उसके राइट में फिफ्थ एलिमेंट कौन सा होगा। तो लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट हो गया ओ, और इस ओ का राइट इधर होगा और इस ओ का लेफ्ट इधर होगा। तो ओ के राइट में फिफ्थ जाना है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब जो आपका आंसर होने वाला है दैट इज 1। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या किया मैंने? सिंपली यदि मैं बात करूं तो अगर उसने बोला है लेफ्ट से जो फिफ्थ एलिमेंट है उस एलिमेंट के राइट में फिफ्थ जाना है, तो लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट के राइट में फिफ्थ जाना है, मतलब आपने यहाँ क्या किया? सम कर दिया। कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट से जो फिफ्थ एलिमेंट है उसके राइट में फिफ्थ जाना है, मतलब जोड़ना पड़ गया, पहले ये 5 जाओ उसके बाद अगले 5 जाओ, तो टोटल सम कर दो, तो 5 + 5 10th। कौन सा एलिमेंट? 10th एलिमेंट लेफ्ट से। तो चेक कर लो क्या 1 10th एलिमेंट है लेफ्ट से। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है? तो जब भी आपको किसी एक एंड से ले जाके दूसरे एंड की तरफ जाने को बोलेगा, मतलब हमें सम करना है। ठीक है, वहीं यदि ये सेम एंड से निकल के वापस सेम एंड पे आने की बात करता है, सेम साइड में, तो क्या करना है?
सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज यहाँ पे अगर उसने बोला होता लेफ्ट से जो सेवंथ एलिमेंट है उस एलिमेंट के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे आओ, तो अब लेफ्ट के लेफ्ट में जा रहे हैं, मतलब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ पे, और सब्ट्रैक्ट करके आएंगे कहाँ, लेफ्ट में आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि लेफ्ट की बात हो रही है। तो 7-4 इज इक्वल्स टू थर्ड एलिमेंट कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। काउंट करके मैं बता देता हूँ, लेफ्ट से जो सेवंथ एलिमेंट है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब किसकी बात हो रही है, हैश की, और हैश के लेफ्ट में फोर्थ, तो हैश का जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा और राइट होगा वो इधर होगा। हमें किधर चलना है, लेफ्ट में चलना है, मतलब हैश के लेफ्ट में कौन सा, फोर्थ, 1, 2, 3, 4, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हैश की, स्टार की, और स्टार कौन सा एलिमेंट है लेफ्ट साइड से, देखो 30 तो है, 1, 2, 3, आंसर इज 3, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, स्टार आ गया, यहाँ पे क्या आया था, 1 आया था। बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एक शॉर्ट फॉर्म में आपको नोट्स बनवाने की बात करूँ तो उस नोट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ और आपको ये चीज़ मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमें क्या क्या नीड होगी। तो यदि आप सेम एंड से सेम साइड में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि सेम एंड से अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिए, और जब हम इसे मेंशन करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यदि मैं लेफ्ट टू लेफ्ट जा रहा हूँ या फिर राइट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब मैं सब्स्ट्रैक्ट करूँगा, और यदि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ या फिर मैं राइट से लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एडिशन करूँगा या सम करूँगा, या क्या करूँगा, सम करूँगा। बात क्लियर हो गई, तो ये छोटी सी चीज़ नोट कर लो, ये आपके काम की है बस। बात क्लियर है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं है, हमें सिंपली क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चंस पे काम करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो ANS, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज, ठीक है। इसके अंदर सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, बस मुझे क्वेश्चंस को स्टडी करना है और पता लगाना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ से आपकी सीरीज स्टार्ट होती है और यहाँ तक आपकी सीरीज जाती है, ये वाला कॉर्नर राइट कॉर्नर कहलाएगा और ये कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर कहलाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मैनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऊपर ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है इसमें कितने वॉवल्स हैं, कैसे वॉवल्स पूछ रहा है, इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच, ऐसे वॉवल ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, ऐसे वॉवल जो इमीडिएटली फॉलो करते हैं किसको, नंबर को, और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो देखो प्रिसीडेड मतलब होता है पहले, ऐसे वॉवल जो प्रिसीडेड करते हैं मतलब जिनसे पहले क्या आते हैं, कॉन्सोनेंट, और फॉलोड का मतलब होता है बाद में, तो जिनके बाद में क्या आता है, नंबर। याद कैसे करोगे, याद करने का सिंपल तरीका, प्रिसीडेड पी से स्टार्ट होता है और पहले को यदि इंग्लिश में ऐसे लिखोगे तो पहले ऐसे लिखा जाता है, ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रिसीडेड मीन्स पहले, पी पी, तो डेफिनेट सी बात है कि फॉलोड मीन्स क्या हो जाएगा, बाद में, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, ऐसे कितने वॉवल हैं, तो मेरा अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, वी फॉर वॉवल है तो प्रिसीडेड मतलब उससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए और फॉलोड मतलब उसके बाद में नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मेरे पास में होना चाहिए, क्लियर है। तो बस चेक करो, ऐसे वॉवल्स उठाओ जिनके पहले कॉन्सोनेंट हो और जिसके बाद में नंबर हो, दोनों ही मैंडेटरी है, उसने बीच में और नहीं लगाया, उसने बीच में एंड लगाया है, मतलब दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नंबर तो मिल रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहा, नहीं, दोनों होने चाहिए वॉवल के साथ, ठीक है। तो पहले तो वॉवल ढूंढता हूँ मैं, इसके अंदर पहला वॉवल ई है, दूसरा आई है, तीसरा ए है, चौथा यू है, अगला अगर हम बात करें तो कोई नहीं है, तो इन
चारों में यदि मैं देखूं तो इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, मतलब मैं ई को कंसीडर नहीं करूंगा। आई के पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में नंबर है, तो ये आपका एक पेयर तैयार हो गया। आगे चलें तो ए के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, मतलब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यू के पहले एम है और बाद में नंबर है, मतलब इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये एक और पेयर तैयार हो गया। इसका मतलब इसमें कितने पेयर हैं, ओनली टू पेयर्स आर देयर, जो कि मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा क्या होती है अल्फा न्यूमरिक सिंबॉलिक सीरीज। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे हम ताकि हम अपने दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें। देखो अगला अरेंजमेंट यदि मैं बोलूँ तो उसने कहा है इन द गिवन सीरीज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एलिमेंट्स एंड सो ऑन आर इंटरचेंज विद 2019। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो किसको कंसीडर करेगा, लेफ्ट वाले को, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है। वो कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा को, ये है बीसवां, 20th, 19th और 18th, ठीक है, इनसे क्या किया जा रहा है, इंटरचेंज किया जा रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से सबको किया जा रहा है। देन विच एलिमेंट विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो एल एल दिख रहा है आपको, लेफ्ट एंड के लेफ्ट साइड में, तो जब एल एल होता है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्टली 20-8 कर देंगे। तो जब आप 20-8 करोगे तो 12 आएगा, और 12 कौन से एंड से पूछ रहा है, वो लेफ्ट एंड से, मतलब बस लेफ्ट एंड से 12th नंबर का एलिमेंट निकाल लो, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है, क्या काम करना है, इस सीरीज को इंटरचेंज करना है, मतलब एस इधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा। मतलब ये सीरीज बनेगी कैसे, अगर मैं इस सीरीज की बनने की बात करूँ तो ये सीरीज कुछ ऐसे बन जाएगी आपके पास, बी एफ सेवन डॉलर जे कॉपीराइट 4 एन एट द रेट डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे के हैश ई 5 9 डी एस। तो हमें पूरी लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि बस ये दी हुई सीरीज को हमें ऐसे उल्टा करना है, मतलब जो लेफ्ट है उसे राइट बनाना है और जो राइट है उसे लेफ्ट बनाना है। ऐसा करते ही सीरीज उल्टी हो जाएगी। तो बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट से 12th, तो इंटरचेंज करने के बाद राइट क्या बन जाएगा, लेफ्ट। तो यहां से 12th नंबर का एलिमेंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपका आंसर हो जाएगा यू। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू। बात समझ में आ रही है, मतलब नन ऑफ दीज अगर मैं इसकी बात करूं तो, समझ में आ रही है बात, यू हो जाएगा। चाहे आप चेक भी कर सकते हैं क्या बोला है उसने इन द गिवन सीरीज के अंदर। अच्छा, देन विच एलिमेंट विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। अब मेरे पास देखो यहाँ तक पूरा है, अगर मैं इसको कंप्लीट भी करूँ तो देखो किस तरीके से आ जाएगा। अब लेफ्ट से 12 चाहिए ना, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो वही काउंट होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, ऐसे जैसे हम यहाँ यूँ जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे इंटरचेंज होने के बाद यूँ जाना है हमें, तो लेफ्ट से 12th वही होगा ना जो या राइट से 12th होगा। तो राइट से 12th हमारे पास कौन सा आ रहा था, यू आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब आंसर क्या आ गया, यू आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नन ऑफ दीज आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, 4 of the which 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। देखो पांच में से कोई से चार इसमें जो है वो एक जैसे पैटर्न के हैं, कोई सा एक का पैटर्न ऐसा होगा जो बाकी चारों से मैच नहीं खाता होगा, और वो केवल हमें देख करके पता लगेगा जब हम सीरीज को देखेंगे। तो पहला हमारे पास है ई के आई, यदि मैं ई आई को देखता हूँ तो ई के आई यहाँ पे अगर आप पता करो, तो थोड़ा सा इसको हम रब कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे सके। तो यदि मैं बात करता हूँ ई के आई की, तो देखो हमारी सीरीज में ई के आई का हमें पैटर्न पता करना है कि ई के आई का पैटर्न क्या होने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं ई के आई का पैटर्न। तो यहाँ पे मेरे पास में ई के आई का पैटर्न यदि मैं देखता हूँ, तो ई एरा, के एरा और आई एरा, मतलब पहले ई और के में एक का गैप है और के और आई में दो का गैप है, ठीक है, और दोनों राइट साइड की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, तो इसमें हमने फर्स्ट देख लिया, दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे पी परसेंटेज सी। तो मैं पी परसेंटेज सी चेक करता हूँ, तो पी परसेंटेज सी में भी सेम चीज़ हो रही है,
पी और परसेंटेज के बीच में एक का गैप है और परसेंटेज और सी के बीच में दो का गैप है। वह अगेन हमारे पास में सेम पैटर्न आ गया। आगे चलें, अगला हमारे पास में अगर आप देखोगे तो आएगा एल यू डब्ल्यू। तो एल यू डब्ल्यू अगर आप बात करो तो एल यू डब्ल्यू के अंदर एल ये रहा हमारे पास में, ये यू है और ये डब्ल्यू है। देखो दोनों में एक एक का गैप आ रहा है, मतलब यही वो पैटर्न है जिसके अंदर प्रॉब्लम है जो कि बाकी चार से अलग है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, एक डी को और उठा लो, थ्री एट द रेट कॉपीराइट। तो थ्री एट द रेट कॉपीराइट जब आप देखोगे तो देखो थ्री एट द रेट कॉपीराइट आप देखोगे तो ये रहा थ्री, ये रहा एट द रेट एक का गैप और ये रहा कॉपीराइट दो का गैप। समझ में आ गई बात, मतलब ये वही पैटर्न चल रहा है जो ऊपर के दो में चल रहा था। मतलब आंसर हो गया हमारे पास में सी। आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, देखो हो गया वही चीज। अब हमारे पास तीन चीजें हैं तो अगर वो किसी एक को ड्रॉप कर भी देता है तो भी दो वेरिएबल्स बचेंगे। तो इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ द ट्वेल्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, पांचवा एलिमेंट लेफ्ट में जाना है, वो एलिमेंट जो बारहवां है कौन सी साइड से, राइट से। तो जब आप राइट एंड से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, मतलब आर एल हो गया, मतलब एड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो जब राइट एंड से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो सम करके जो आएगा वो भी आपको क्या करना है, राइट से काउंट करना है। ठीक है, तो राइट एंड से कौन सा है, ट्वेल्थ, कौन सी साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, टोटल कितना हो गया, 12 प्लस 5 17, कौन सी साइड से, राइट साइड से 17th एलिमेंट चेक कर लो, वही आपका आंसर होगा। लेकिन कब, जब आप सारे की सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर चुके होंगे। तो ड्रॉप करने का एक तरीका बहुत बेस्ट है, बीच में से स्किप करते जाओ। ठीक है, राइट साइड से हमें 17 चाहिए तो इनमें से स्किप करते जाओ, राइट साइड से 17 हो गया तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको स्किप कर दिया, 4 हो गया स्किप कर दिया, 5 6 स्किप कर दिया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मींस आंसर इज 8। जितने भी एलिमेंट थे उसमें हमने सिंबल्स को देख के इग्नोर कर दिया, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, क्योंकि राइट साइड से हमें 17 चाहिए था। आई थिंक सबको यहाँ तक बात क्लियर है, ताकि हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इसमें एक छोटा सा एडिशन का फॉर्मूला लगा लिया है और सब्स्ट्रेक्शन का फॉर्मूला यूज कर लिया है। क्लियर है सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये उसने एक सीरीज तैयार कर दी है, इसमें अगला क्या होगा उसने ये हमसे पूछा है। तो देखो ये तीन तीन का पेयर अगर आपको दिख रहा हो तो एक दो और तीन, ठीक है, तो वो पूछ रहा है अगला तीन लेटर्स का या तीन जो भी कॉम्बिनेशन है उसका पैटर्न क्या होगा। तो देखो हैश के फाइव, तो मेरे को ऊपर वापिस आना पड़ेगा, हैश के फाइव को देखना पड़ेगा। तो जब आप हैश के फाइव को देखोगे ना तो देखो हैश बीच में है, उसके राइट में तुरंत आगे के आ गया और उसके एक के गैप से फाइव आ गया। ठीक है, तो बीच का एलिमेंट आ रहा है यही पकड़ने। तो देखो हैश के फाइव है, दूसरा है पी वन आई, तो पी पहले बीच में आना चाहिए, पी वन आई, तो देखो पी के तुरंत राइट में आ गया वन और आई आ गया एक के गैप से पीछे। आई थिंक मेरे हिसाब से दिख रहा होगा ये आपको, ये पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे हैं, तो अगर आगे देखें तो सी ये आ गया आपके पास डेल्टा, तो सी डेल्टा आपके पास में आ गया ए। ठीक है, तो आगे चलें तो ये आ गया आपके पास में सी आ गया, देखो ये सी दिख रहा होगा, ये आपके पास में आ गया डेल्टा और ये आ गया ए। ठीक है, तो ये वही कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेकिन किस तरीके चल रहा है, अगला क्या उठा है हमें ये पता होना चाहिए। तो जब हमें अगले का पता करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। तो इसको एक मिनट रब कर लिया जाए पहले। ठीक है, तो देखो अब पैटर्न की यदि मैं बात करूं तो पैटर्न हमारे पास में पहले आ रहा था हमारे पास में के, जो यहाँ पे हमारे पास में हैश ये बीच में है। तो अगर मैं बात करूँ तो हैश पी और क्या है मेरे पास में सी, तो हैश पी और सी तीन चीजें हैं, हैश पी और सी कितने कितने के गैप से हैं ये पता कर लेते हैं। तो देखो हैश पी और सी,
अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब पहले 5 का गैप फिर 4 का गैप, अब कितने का आना चाहिए, 3 का, 1 2 3, मतलब U से स्टार्ट होना चाहिए। एलिमेंट है जो U से स्टार्ट हो रहा हो, यस U से ये स्टार्ट हो रहा है। और चेक करना है तो आप सेकंड एलिमेंट्स को भी चेक कर सकते हो, के वन और आपके पास लेमडा बोलते हैं इसको, है ना, के वन और लेमडा। के वन और लेमडा की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो के ये रहा, वन ये रहा और लेमडा ये रहा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब वही पैटर्न चल रहा है। तो तीन का गैप तो यहाँ पे भी आएगा, इसका मतलब U से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ पहले वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो U से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो U के तुरंत बाद 3 और U के एक गैप पहले L, तो बनना क्या चाहिए, यू थ्री एल, समझ रहे हो। ऐसे ही पहले हुआ था पी वन आई, ठीक है, और हैश के फाइव, पहले तुरंत आगे और एक के गैप से पीछे, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, U के तुरंत आगे 3 और पीछे एक के गैप से L, तो यू थ्री एल। देखो क्या ऑप्शन है हमारे पास, यू थ्री एल, यस यू थ्री एल इज एन ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो हमने अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग किया था। यही सेम क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख करके सॉल्व करना है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये तो एक पैटर्न के क्वेश्चन हो गए, और दूसरे पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। इन कैटेगरी के अंदर वो कुछ नहीं करता, सिंपली आपको कुछ कोडिंग कंडीशंस देता है, ऊपर आपको मैच दिए हुए हैं, ये मैच है एम के लिए, ये फोर के लिए, ये सी के लिए, उसने बोल रखा है कि इन लेटर्स के लिए आपके पास ये सिम्बल्स हैं, आपको जब भी वो लेटर्स यूज होंगे तो सिम्बल ये यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कोडिंग कंडीशंस देता है वो आपको, कि भैया अगर आपके पास दो वॉवल्स हैं तो आप ये कोड करोगे, ये इंटरचेंज कर दोगे, और अगर एक कॉन्सोनेंट है तो ऐसे करोगे। तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस उन कंडीशंस को पढ़ लेना है। देखो उसने कुछ कंडीशंस दी हैं, पहली कंडीशन उसने आपको ये दे दी है, ठीक है, दूसरी कंडीशन उसने आपको ये दे दी है, और तीसरी कंडीशन लेटर के केस में ये दे दी है। तो ये करवाएगा कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, इसमें यदि कंडीशन कोई सी भी अप्लाई हो रही है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोडिंग करो। आई थिंक क्लियर होगा सब कुछ। चलिए तो फिर देखते हैं कंडीशन नंबर वन क्या है। कंडीशन नंबर वन कह रहा है इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर मतलब ये पूरे कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लेटर, मतलब यहाँ जैसे एम है, अगर वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो वो कह रहा है इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द फोर्थ डिजिट इज ऑड, पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट है और चौथी डिजिट जो है वो ऑड है, बोथ आर टू बी कोडेड टू एज द कोड ऑफ द कॉन्सोनेंट, मतलब दोनों को किससे कोड कर दो, कॉन्सोनेंट से। इसका मतलब पहला लेटर यदि M है, ए दो तीन, चौथा यदि चार है, पाँच छः, सपोज ये है आपके पास, और M का कोड यदि आपके पास, यही उठा लूँ मैं अंडर स्को, यही उठा लें हम एक्सक्लेमेटरी, तो क्या करेंगे, दोनों जगह एक्सक्लेमेटरी लगा देना है, चाहे फोर का कोड आपके पास में ओमेगा क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ही किससे कर देंगे हम, एक्सक्लेमेटरी, समझ में आ रही है बात। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, तो दूसरी कंडीशन कह रही है इफ द लास्ट लेटर इज वॉवल एंड द सेकंड डिजिट इज डिविजिबल बाय टू, मतलब सपोज ये आया, दूसरा आ गया एट, और लास्ट मतलब 3 4 5 और 6, मतलब ये ई आ गया, 6 डिजिट का हो गया, मतलब 6 कॉम्बिनेशन का हो गया। तो अगर ऐसा होता है कि दूसरी आठ दो से डिविजिबल है और जो आखिरी है वो क्या है आपके पास, वॉवल है, बोथ आर टू बी कोडेड एट द कोड ऑफ फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट जो भी होगी उससे कोड कर दिया जाएगा, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर फर्स्ट डिजिट, जो भी फर्स्ट डिजिट है उस दोनों को कोड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे अगर वन आती है, सपोज यहाँ वन होता है तो इससे दोनों कर देंगे, और यहाँ पे कोई अल्फाबेट आ गया, सपोज ए आ गया यहाँ, तो फिर इससे करेंगे, जो भी पहली डिजिट आएगी आपके इस कॉम्बिनेशन में उससे कोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन कहती है इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन, पहली डिजिट क्या है यदि इवन है, ठीक है, 2 3 4 5 6, पहली डिजिट इवन है एंड द लास्ट डिजिट, तो देखो पहली डिजिट यदि इवन है, सपोज यहाँ पे 2 आ गया एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, मतलब ई, ठीक है, सॉरी एफ, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉन्सोनेंट एफ, देयर कोड हैज टू बी इंटरचेंज, तो इनके कोड इंटरचेंज होंगे, मतलब 2 का कोड यदि अगर स्टार था तो यहाँ आ जाएगा, और एफ का कोड यदि कुछ भी था, सपोज परसेंटेज था, तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो इस कंडीशन को और देख लेते हैं, बोथ आर टू बी कोडेड, अच्छा, इफ द लास्ट लेटर इज वॉवल एंड द सेकंड डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट, इसका मतलब इस केस के अंदर पहली वाली क्या ही होनी पड़ेगी, डिजिट ही होनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना।
ठीक है, फर्स्ट डिजिट का मतलब हो गया पहली वाली इस केस के अंदर डिजिट ही होनी पड़ेगी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर वन की यदि मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ कौन सा केस लग रहा है। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो देखो दूसरे नंबर पे आपके पास में 8 आ रहा है, मतलब डिविजिबल बाय 2 आ रहा है, और आखिरी आ रहा है आई, इसका मतलब सेकेंड केस एप्लीकेबल हो गया इस क्वेश्चन में। दिख रहा है आपको थर्ड केस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर नहीं है। फर्स्ट केस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहला कॉन्सोनेंट तो है लेकिन चौथे नंबर पे नंबर नहीं है, तो इसका मतलब पहला और तीसरी कंडीशन नहीं लग रही है, ओनली सेकंड लग रही है कि सेकंड नंबर पे इवन नंबर है और जो आखिरी है वो आपके पास में वॉवल है। अब इस केस के अंदर क्या करना है, पहली डिजिट जो भी होगी उससे उसको क्या कर दिया जाएगा, कोड कर दिया जाएगा। तो पहली डिजिट यहाँ पे मेरे को देखने को क्या ही मिल रही है, अगर एम से स्टार्ट है तो 8 ही देखने को मिल रही है, तो जरा मैं 8 का कोड देख लेता हूँ। तो 8 का कोड यदि मेरे पास है तो क्या है, स्टार है। 8 का कोड है तो क्या है, स्टार है। तो यहाँ पे मेरे पास में पहला जो भी होगा, अब पहली डिजिट है तो डिजिट सही और पहला नंबर है तो नंबर सही, तो यहाँ पे मेरे पास में दोनों को कोड किससे कर दिया जाएगा, फर्स्ट डिजिट से। बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर फर्स्ट डिजिट। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ तो एम और आई, मतलब सेकेंड और लास्ट जो भी हमारे पास में नंबर और वोवल दोनों को इससे एक्सक्लेमेटरी से, तो इसने कर रखा है देखो एक्सक्लेमेटरी से, यहाँ भी कर रखा है यहाँ भी कर रखा है, मतलब बी वाला भी हो सकता है और डी वाला भी हो सकता है। बचे हुए को एज इट इज रखना है, वो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, एक्स का जो कोड है वो एक्स का ही रहेगा। एक्स का कोड क्या है मेरे पास में, आर। ठीक, तो कोड को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पी और सी का कोड एट द रेट और एंड है, तो पी और सी का कोड एट द रेट हो गया और सी का कोड एंड हो गया। अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो दोनों केस हैं, इन दोनों केस में बी वाला आपका क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पे, ये क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट डिजिट ना होके डिजिट ऑब्लिक लेटर लिख लेना, इसको जो भी है आपके पास में इसको लेटर भी लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, डिजिट ऑब्लिक लेटर इसने लिखा नहीं है। ठीक है, उसके कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो जो भी पहला होगा स्टार्टिंग का, चाहे वो डिजिट हो या लेटर हो, उससे ही दोनों को कोड कर दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा सेकेंड नंबर पे आपके पास डिविजिबल बाई टू तो है लेकिन आखिरी कॉन्सोनेंट आ गया, वॉवल नहीं है, अब तो सेकेंड कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। थर्ड कंडीशन यदि मैं बात करूँ तो फर्स्ट नंबर नहीं है तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब आता है आपके पास में यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, पहला आपके पास में कॉन्सोनेंट और चौथा ऑड नंबर। तो देखो पहला कॉन्सोनेंट है यदि आप क्यू की बात करो तो, और पहला दूसरा तीसरा चौथा ये ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, फर्स्ट वाली कंडीशन लग रही है। और इस केस के अंदर दोनों को कोड किससे कर दिया जाएगा, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द कॉन्सोनेंट, मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट एम लिया था हमने एग्जाम्पल में, तो यहाँ कॉन्सोनेंट कौन है, क्यू, और क्यू का जो भी कोड हमारे हम इसको कोड कर देंगे। तो क्यू का कोड क्या है मेरे पास में, म्यू, दोनों को मैं म्यू के साथ कोड कर दूंगा, इसका मतलब क्यू की जगह पे भी म्यू आ जाएगा। देख सेकंड थर्ड को छोड़ दें तो फोर्थ नंबर पे म्यू आ जाएगा और फिफ्थ और सिक्स को छोड़ दें, तो अब इनको एज इट इज करना है। फोर और ई के जो कोड उनके चाहे उनके कोड लिख दो, फोर का कोड ओमेगा है और ई का कोड यदि बात करूँ तो ई का कोड परसेंटेज है, तो ओमेगा और परसेंटेज यहाँ आ जाएगा आपके पास में, ओमेगा और परसेंटेज। ठीक है, और फाइव और सी बात करते हैं, जो फाइव का कोड है, फाइव का कोड है हमारे पास में कॉपीराइट और सी का कोड है एंड, कॉपीराइट जो भी आपको देखने को मिल रहा हो उसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहा है ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, मतलब आंसर इज डी। क्लियर है, मतलब मेरे पास कौन कौन से केस हो गए, मेरे पास हो गया सेकेंड केस का एक एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड केस का, फर्स्ट केस का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं इसमें चलें तो हमारे पास देखो आपके पास पहला नंबर जो है वो इवन नंबर आ गया, 8 इवन नंबर आ गया, और साथ ही साथ में आखिरी आपके पास में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट नहीं है, इसमें क्या है, वॉवल है, मतलब थर्ड केस नहीं लगेगा। सेकंड केस की बात करूँ तो सेकंड केस है लास्ट लेटर इज वॉवल एंड द सेकंड डिजिट इज डिविजिबल टू, तो देखो सेकंड डिजिट है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट कहता है कि पहला कॉन्सोनेंट होना चाहिए और फोर्थ नंबर का क्या होना चाहिए आपके पास में, एक फोर्थ डिजिट इज ऑड, सॉरी इसको थ्री कर लेना, फोर्थ डिजिट इज ऑड होनी चाहिए, तो फोर्थ देखो इसमें ऑड है क्या, तो फोर्थ इसमें ऑड है लेकिन फर्स्ट वाली नंबर
है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई सा भी नहीं लगेगा, और जिसमें कोई सा भी नहीं लगता है उसमें एज इट इज कोडिंग कर दी जाती है, जिसका जो कोड होता है वो एज इट इज उतार दिया जाता है। मतलब बात कर रहा हूँ तो 8 के नीचे 8 मेंशन कर दोगे, मतलब स्टार से शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पे स्टार से शुरू हो जाएगा, तो दो ही ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी डिफरेंस है ऑप्शन में उससे काम करो। देखो चौथे नंबर पे यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, चौथा 1 है, तो देखो 1 का कोड क्या है, जो भी हो उससे आप आंसर मेंशन कर सकते हो। देखो 1 का कोड ये है, और ये कोड जो है मेरे पास में सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये कहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है, इनमें से तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे चलें तो और क्या क्या आपके पास में है, चलिए चेक करते हैं। यू का कोड यदि मैं चेक करूँ तो यू का कोड मेरे पास में है ओमेगा, मुझे दिख रहा है यू का कोड ओमेगा, ठीक है, यू का कोड मुझे ओमेगा दिख रहा है। और यदि मैं एक्स की करता हूँ तो एक्स का कोड मेरे पास में आर है, तो मेरे पास में आर भी दिख रहा है, मतलब एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मेरे को ये दिख रहा है, लेकिन इसमें ये जो एलिमेंट है ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वन का कोड यही है, सही कह रहे हैं आप, वन का कोड यही है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास में, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा ए। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो बस मैचिंग का काम करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट के दो क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे, इनमें से एक के अंदर कंडीशन एप्लीकेबल होगी, देख लीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आप तुरंत ये बताएंगे कि 19th और 20th नंबर के क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आपने जो आंसर मुझे दिया है क्या वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। बस चेक आपको करके मुझे ये बताना है कि किस में कौन से नंबर की कंडीशन अप्लाई हो रही है, 19 में कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही, और लग रही है तो कौन सी लग रही है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ऐसे ही 20th क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन के साथ और स्पीड के साथ इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग के जो बेसिक 3 कंसेप्ट हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग के अंदर वर्ड से रिलेटेड है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। एक एग्जामिनेशन में आपके पास कॉम्बिनेशन पेयर बनाने को जरूर आता है वर्ड का, वो मैं आपको एक अलग से क्लास में करवा दूंगा, वर्ड पेयर बनाने को आता है वो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा, वो हर एग्जाम में प्री में देखने को मिलता है 1 मार्क्स का, ठीक है। और एक मैं आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का ऑर्डर बताऊंगा, इनकी नंबरिंग और रिवर्स ऑर्डर कैसे याद रखा जाए, तो इसकी मैं टोटल एक क्लास और लूंगा और हमारा कोडिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन हम एक प्रैक्टिस सेट में कोडिंग के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।